हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल. फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी गेट मैकेनिकल, अनअकैडमी गेट ME, इस पर हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको मैं रोज आपको लूंगा. ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर. ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट ME, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो नया सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है. ये एक सब्जेक्ट के रूप में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जो नॉन टेक्निकल का पेपर होता है, नॉन टेक का पेपर होता है, उसमें सारी ब्रांचेस के लिए, ऑल ब्रांचेस के लिए, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो और चाहे सिविल हो. ओके फ्रेंड्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल, इन चारों ब्रांचेस के लिए ESE एग्जाम में ये सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल का पेपर आता है. तो इन सभी लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसी साल नॉन टेक्निकल में इस सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे, 10-11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफी अच्छा खासा वेटेज रखते हैं. आप इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करके अपना काम नहीं चला सकते हैं ESE प्रीलिम्स में, आपको काफी नुकसान होगा. अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बहुत फायदा होगा. ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ निटी मुंबई, जो आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, यहाँ पर एक अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है और आप किसी भी ब्रांच के, सिर्फ इन्हीं चार ब्रांच के नहीं बल्कि आप किसी भी ब्रांच के हैं, किसी भी ब्रांच से आपने बीटेक करी और किसी भी ब्रांच से आपने गेट एग्जाम दिया है, तो वहां पर निटी मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चलता है, जिसका एवरेज पैकेज बहुत ही तगड़ा है. 15-16 लाख रुपए के आसपास इसका एवरेज पैकेज है और बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है ये. इंडिया का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की फील्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट है. तो इसके लिए अगर आप PGDPM के लिए, अगर आप निटी मुंबई में PGDPM के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है. ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जनरली लोग ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है तो मतलब सिविल वालों का इंस्टीट्यूट होगा. ठीक है फ्रेंड्स, है ये बेसिकली तो इंस्टीट्यूट है सिविल वालों का, लेकिन यहां पर एक आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट चलता है, जो कि ओपन टू ऑल ब्रांचेस के लिए है. हर ब्रांच, किसी भी ब्रांच से आपने बीटेक करी हो, किसी भी ब्रांच से आपने गेट का एग्जाम दिया हो, तो आप यहां पर निकमैर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी ब्रांच से बीटेक करी हो, किसी भी ब्रांच से आपने गेट एग्जाम दिया हो. ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक और बहुत ही यूजफुल एग्जाम आने वाला है, जो कि इस साल पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करने जा रही है, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसमें 9000 से ज्यादा छोटी बड़ी इंडियन कंपनियां और कुछ फॉरेन MNCs भी इस CII के अंडर में इनरोल्ड हैं, तो उसका एक एग्जाम iPATE के नाम से इस साल होने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए ये CII, ये इस iPATE एग्जाम को लेने वाली है. तो उसमें वैसे तो हर ब्रांच का, टेक्निकल का अपना एक अलग अलग पेपर है, लेकिन उसमें जो नॉन टेक्निकल पेपर है, उस नॉन टेक्निकल में भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है. और आपके लिए ये हर ब्रांच के लिए ये है, नॉन टेक्निकल पेपर हर ब्रांच को देना है, तो हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए, ऑल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये यूजफुल होने वाली है. ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो इंस्टीट्यूट है निटी मुंबई, निटी मुंबई में 3 कोर्सेज चलते हैं बेसिकली. अगर आप निटी मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अगर आप जाते हो, तो वहां पर 3 कोर्सेज चलते हैं. एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, दूसरा एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और एक और तीसरा कोर्स है जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। गेट एग्जाम के थ्रू जो स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं उनके पास ये तीन कोर्सेस के ऑप्शंस होते हैं। वैसे कैट एग्जाम के थ्रू भी यहाँ पर निटी मुंबई में एडमिशन होता है और उनके लिए कुछ PGDIM का कोर्स चलता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का कोर्स चलता है, वो कैट एग्जाम के थ्रू होता है। तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, हमें तो हम लोग तो इंजीनियर से हम लोग तो जो कम्पिटेटिव एग्जाम से इंजीनियरिंग के उसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है कि ये जो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है वहां पर जो तीन कोर्सेज चलते हैं उन तीन कोर्सेज में एक कोर्स का नाम तो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, दूसरे का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और तीसरे का नाम है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, आपको इसी से पता चल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप में से कई लोगों को यह पता होगा और अगर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मैक्सिमम IITs जो हैं, चाहे वो IIT बॉम्बे हो, IIT बॉम्बे का जो M.Tech कोर्स है IEOR, ऐसे ही अगर आप फोकस कर रहे हैं IIT कानपुर के IME के लिए या फिर IIT खड़गपुर के ISE के लिए या IIT दिल्ली के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, IIT चेन्नई के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, तो मैक्सिमम जगहों पर ये जो सब्जेक्ट रहता है, ये जो स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, मैक्सिमम जगहों पर ये ओपन टू ऑल ब्रांचेस होता है। कुछ IITs या कुछ NITs में सिर्फ मैकेनिकल या PI के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये ओपन टू ऑल ब्रांचेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किसी IIT या NIT से M.Tech या ME करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये सब्जेक्ट, ये कोर्स, ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके आगे बढ़ते हैं। मायसेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव, ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है और आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ME करने के अलावा, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करने के अलावा, मैंने IIM काशीपुर से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कर रखा है और मैंने गेट एग्जाम 7 टाइम्स क्वालिफाई किया है जिसमें से 2 बार मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 200 के अंदर आई है। मुझे गेट और ESE और SSC JEE का 9 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस 9 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के पहले मुझे 2 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था और इंडिया की एक लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी है, टॉप की ऑटोमोबाइल कंपनी है, उस कंपनी में मैंने 2 साल एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रखी है और उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने 2009 से 2011 के बीच में जॉब करी थी और 2010 में BS4 का इंजन लॉन्च हुआ था। जैसे अभी ये 2020 की स्टार्टिंग में ये 1 अप्रैल से आपका BS6 का इंजन लॉन्च हुआ है, वैसे ही उस समय 2010 में 1 अप्रैल 2010 में BS4 का इंजन लॉन्च हुआ था और इस मेगा प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया हुआ है और मुझे अच्छे से इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के को का और इसी के साथ साथ मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ एक IIM का भी एक्सपीरियंस है। तो ये तीनों साइड का एक्सपीरियंस मैं यूटिलाइज करते हुए आपको गाइड करूंगा और आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्पेशलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूं यहां पर, वैसे तो ये जो कोर्स है मेरा, ये जो कोर्स मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस कोर्स को तो यूट्यूब पर अभी सिर्फ मैं हैंडल कर रहा हूं, लेकिन हमारी जो ये यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी गेट मैकेनिकल, ये इस पर बहुत ही धुरंधरों की, कई सारे धुरंधर टीचरों की एक बहुत ही शानदार टीम है। हमारी टीम के लीडर हैं देवेंद्र सिंह नेगी सर, जिन्होंने दो बार इंडिया में, वैसे बहुत कम लोग ही हैं टीचिंग फील्ड में जिन्होंने गेट एग्जाम में 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गेट एग्जाम में इंडिया में 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आए हैं 2019 और 2020 में और इनको 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। XC ब्रांच में ये 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं लगातार 2 साल से। इसी के साथ साथ हमारी टीम में यहाँ पर अमित दीक्षित सर हैं, ये भी बहुत ही धुरंधर फैकल्टी है प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, इन्होंने भी ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव कर रखी है गेट एग्जाम में 2017 में। और इसी के साथ साथ मैं हो गया या आलोक झा सर हो गए या वीरेश मनोचा सर हो गए, अप्रूप सर हो गए, ये बहुत ही धुरंधरों की, विशाल सर की, पल्लव सर की, एक बहुत ही धुरंधरों की, एक से बढ़कर एक धुरंधरों की टीम हमारी है जो कि हम सभी लोग मिल करके आपको हमारे YouTube चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल पर
रोज रोज गाइड करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, हमारे इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपका शेयर करना होता है यही हमको और इंस्पिरेशन देता है, और ये जो आपकी तरफ से जो लाइक्स आते हैं वही हमें और इंस्पिरेशन देते हैं ताकि हम और भी अच्छा काम कर सकें और भी अच्छा मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग ये जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू देंगे, एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर जितना संभव हो सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप ये जो जगह मैंने आपको बता रखी है, चाहे ईएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे निटी मुंबई, चाहे एनआईसीएमएआर, चाहे आईपेट और या फिर वेरियस आईआईटीज के जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो एमटेक है, इन जगहों पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं या आप इन जगहों पर ड्रीम अपना मान के चल रहे हैं तो इन जगहों पर आपको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ बहुत सारी पीएसयूज में भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होता है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है या मटेरियल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वहां पर भी ये टॉपिक कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे, और अगर आपको इस टॉपिक की ठीक ठाक नॉलेज हो तो आप बाकियों से भी आगे निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक तरीके से चाहे ईएससी हो, चाहे पीएसयूज हो, चाहे निटी मुंबई हो, चाहे आईआईटी बॉम्बे, चाहे आईआईटी दिल्ली, चाहे एनआईटी त्रिची में जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है वो भी बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है उसका भी, तो इन जगहों के लिए अगर आप फोकस करके चल रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही सुटेबल साबित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं और आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? आप लोगों को बचपन से स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलते रहे होंगे। ओके, स्कूल कॉलेज में आप लोगों को बचपन से प्रोजेक्ट मिलते रहे होंगे, और वैसे तो जो स्कूल कॉलेज में जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उनका तो मीनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, कई लोग समझ ही नहीं पाते होता क्या। स्कूल कॉलेज में जो प्रोजेक्ट जो होता है वो तो आपको मैक्सिमम लोग एक दूसरे से ही कॉपी करके या अपने सीनियर से कॉपी करके इस तरीके से प्रोजेक्ट लोग जनरली सबमिट कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट जो स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रीज में, कंपनियों में जो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं लोग, उसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो टोटल ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला वर्ड है प्रोजेक्ट और दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आपके पास एक सिंपल सा रिप्लाई होता है, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट जो है वही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करना ही कहलाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, ये तो हमने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बता दी, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये हल्की सी बस इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, पहली तो हम लोग ये समझ लें कि प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, और तब जब इन दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं तब हमारे सामने आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए प्रोजेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट में हम लोग इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को करते हुए फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड टाइम पीरियड और कुछ सर्टेन क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल टारगेट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट और एक डेफिनेट एंड पॉइंट होता है। ओके, तो ये इसकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट क्या हुआ। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ प्रोजेक्ट बता रहे हैं। ओके, ए प्रोजेक्ट इज accomplished by performing a set of interrelated activities over a fixed period of time within a certain cost and quality specification. सिर्फ और सिर्फ interrelated activities ही नहीं होंगी यहाँ पर, कई बार लोग interrelated activities की performing को ही project बता देते हैं। आपको कोई काम करते समय उस काम को कितने समय में करना है, कितने time में करना है, कितनी cost में करना है और किस क्वालिटी स्टैंडर्ड का करना है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है
और एक फिक्स एंडिंग पॉइंट होता है। प्रोजेक्ट जैसे कि दुनिया में कई सारे टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, या फिर जैसे मान लीजिए आपका कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई हॉस्टल हम लोग बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, कोई हम लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं, कोई आपका क्या कहते हैं ओवर ब्रिज का प्रोजेक्ट है, कोई हाईवे का प्रोजेक्ट है, कोई आपका कोई रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, या फिर कोई आपका मॉल बन रहा है उसका प्रोजेक्ट है। ऐसे कई सारे टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं जो कि हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते रहते हैं। ऐसे ही कई बार क्या कहते हैं आपके सैनिटेशन प्रोजेक्ट होते हैं, कई बार आपके मेडिकल सर्विसेज के प्रोजेक्ट होते हैं, कई बार मार्केटिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, एडवर्टीजमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे ही कई बार आपके पास सप्लाई चेन के प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे ही कई बार आपके पास और भी क्या कहते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट होते हैं, कई बार आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल के प्रोजेक्ट होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एरिया बहुत ही वाइड है और लगभग लगभग मैक्सिमम एरियाज में इसका यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने कहा आपसे, ये जो वर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये टोटल वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो प्रोजेक्ट और दूसरा मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट पे आएंगे। यहां पर इस सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट स्टार्टिंग एंड डेफिनेट एंडिंग पॉइंट होता है। ये बात मन में बिठा लीजिए कि प्रोजेक्ट का हर हाल में एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिक्स एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, तो जिस दिन उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते समय उस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, जिस दिन उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने का मतलब क्या, जिस दिन उसकी जो बेस होता है, जो नींव होती है, नींव की जो आपकी खुदाई का काम जिस दिन स्टार्ट हुआ, वो कहलाता है कि अब ये स्टार्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। ओके, और बल्कि एक्चुअल फिजिकल वर्क करने से पहले भी हमें प्लानिंग करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक तरीके से जिस दिन मेरे मन में आइडिया आया, उसी दिन से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जैसा कि मान लीजिए रतन टाटा के मन में आइडिया आया कि एक टाटा नैनो का एक प्रोजेक्ट बनाना है, टाटा नैनो को हमें मार्केट में लॉन्च करना है, तो जिस दिन रतन टाटा ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिए कि हम लोग एक कार बनाना चाहते हैं जो कि लगभग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में मार्केट में आ जाए और ठीक ठाक क्वालिटी स्पेसिफिकेशन हो उसके, बहुत अच्छे तो नहीं, 1 लाख रुपए में तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो, तो उस टीम ने जिस दिन से प्लानिंग करनी शुरू करी उसी दिन से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट माना गया। ओके, और फिर उसके बाद डेफिनेट एंडिंग पॉइंट मतलब क्या, जब पहली गाड़ी कस्टमर के पास, पहले कस्टमर के पास पहुंच गई। ओके, तो ये यहां तक आपका कहलाया प्रोजेक्ट। अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपका ये प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट में जो होता है, जब एक बार जब प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और उसके बाद नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है। ओके, अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट थे हैरिसन नाम के, जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में काफी वर्क किया। उन्होंने प्रोजेक्ट की क्या डिफिनेशन दी थी, उन्होंने प्रोजेक्ट की डिफिनेशन ये दी थी कि प्रोजेक्ट को हम लोग एक प्रोजेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन रूटीन, ऐसा वर्क जो कि नॉन रूटीन हो, रोज रूटीन में ना होता हो, और जिसमें कि नॉन रिपीटेटिव वर्क करते हो हम लोग, ऐसा वर्क जो कि बार बार रिपीट ना होता हो, रोज रोज भी ना होता हो, नॉन रूटीन भी हो और रिपीट भी ना होता हो, उसमें कुछ डिस्क्रीट टाइम का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड, उसके बाद फिर कुछ हमारा कुछ फाइनेंशियल गोल्स और कुछ टेक्निकल परफॉर्मेंस गोल्स का ध्यान रखते हुए, जो हम लोग जब कभी भी हम लोग एक डिस्क्रीट टाइम में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में कुछ एक फिक्स फाइनेंशियल सपोर्ट और एक फिक्स टेक्निकल परफॉर्मेंस गोल्स को ध्यान में रखते हुए नॉन रूटीन और नॉन रिपीटेटिव वर्क करते हैं, तो ये जो टोटल हमारा जो एक्सरसाइज है ये कहलाती है प्रोजेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, लिटिल एंड मिरल्स के नाम से भी, लिटिल एंड मिरलीज के नाम से भी साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने भी काफी अच्छा वर्क किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में। इन्होंने बताया था कि ये आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट में हम लोग करते क्या हैं, प्रोजेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट में इन्होंने ये बताया था कि एक प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसे रिसोर्सेज
जिनको रीजनेबल तरीके से एनालाइज किया गया हो और इवेलुएट किया गया हो, ओके, तो उनको हम लोग ऐसे रिसोर्सेज जिनको रीजनेबल तरीके से एनालाइज और इवेलुएट किया गया हो उनको एक खास टारगेट को अचीव करने के लिए यूज करते हैं, या कह सकते हैं इन्वेस्टिंग द रिसोर्सेज, यूजिंग द रिसोर्सेज या इन्वेस्टिंग द रिसोर्सेज, एक ही चीज हुआ, तो तब ये कहलाता है, ये एक प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हर एक इंडिविजुअल रिसोर्स जो है उसको एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में यूज किया जाता है। ओके, फिर से बताता हूं मैं, लिटिल एंड मिडिल ईस्ट ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि एक प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसे रिसोर्सेज जिनको रीजनेबल तरीके से एनालाइज एंड इवेलुएट किया गया हो उन रिसोर्सेज को एक खास टारगेट के लिए यूज करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर एक रिसोर्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हैरिसन नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उसके बाद एक लिटिल एंड मिरलिस नाम के दो साइंटिस्ट हुए, तो इन लोगों ने काफी वर्क किया। ऐसे ही और भी कई सारे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया, और धीरे धीरे जब कई लोगों की थ्योरी इकट्ठा होती गई और उनको उन सारी थ्योरीज को लोगों ने पाया कि ये सारी थ्योरीज एक ही डायरेक्शन में हमको जाने के लिए कहती हैं, एक ही डायरेक्शन देती हैं, तो धीरे धीरे लोगों ने इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया, ग्रुप ऑफ स्टडी के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया, और फिर धीरे धीरे ये नीड अराइज हुई कि अब इसमें ही पूरी इसको एक ब्रांच बना दी जाए, इसमें एक स्पेशलाइजेशन की जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की डेट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लोग एमबीए भी करते हैं, इसमें लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करते हैं, और क्या कहते हैं, इसमें लोग एमटेक भी करते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक मास्टर्स का एक बहुत ही अच्छा कोर्स बन चुका है, और इसमें काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट भी होता है। निटी मुंबई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, निटी मुंबई के बारे में जो लोग ना जानते हो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसका एवरेज पैकेज, निटी मुंबई का एवरेज पैकेज 19 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा का है। ओके फ्रेंड्स, निटी मुंबई का एवरेज पैकेज 19 लाख रुपीज पर एनम से ज्यादा का है। अब इसमें क्या है कि इसमें सारे कोर्सेस इंक्लूड हैं, और पीजीडीआईई जो इनका सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पुराना कोर्स है, इसका थोड़ा ज्यादा है, और पीजीडीपीएम और पीजीडीएमएम जो अभी 6-7 साल पहले शुरू हुए इनका थोड़ा कम है, लेकिन हर कोर्स का इंडिविजुअली भी अगर आप देखते हो तो जिसका पीजीडीपीएम या पीजीडीएमएम का तो थोड़ा कम भी है तो भी ये 12 लाख रुपए से ऊपर का ही एवरेज पैकेज है इन दोनों का भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ये जो NICMAR जो है हमारा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये देखिए NICMAR पुणे में है, हैदराबाद में है, दिल्ली NCR में है, और गोवा में है, इन चार जगहों पर है। तो यहाँ पर पुणे वाले पे जो आपका PGP-EPEM जो कोर्स चलता है, यहाँ पर भी एवरेज पैकेज लगभग 7 लाख रुपए के आसपास है, 7 लाख रुपीज के आसपास है। तो ये भी आपका एक अच्छा अल्टरनेटिव है जो कि आपको एक अच्छा कैरियर दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, नियरली 7 लाख रुपीज के आसपास है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि जब कई सारे साइंटिस्टों ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक जब कई सारे साइंटिस्टों ने अपना कंट्रीब्यूशन देते देते प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक नई ग्रुप ऑफ स्टडी में चेंज किया, तब लोगों ने सजेशन दिया कि एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पर सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ही बातें हों, जहां पर सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही डिस्कशन हो। तो एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ओके, आप जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स या कोई भी कोर्स करने जाएंगे तो वहां पर अक्सर आपको PMI वर्ड देखने को मिलेगा। PMI का मतलब क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ओके, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने एक PMBOK बना रखी है। PMBOK क्या है? ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। PM का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, BOK का मतलब बुक ऑफ नॉलेज।
तो ये पीएमबीओ के जो गाइड है, बुक ऑफ नॉलेज का मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि ये सिलेबस डिफाइन करता है। किसी भी सोसाइटी का या किसी भी इंस्टीट्यूट का जो बीओके होता है, बुक ऑफ नॉलेज, वो उसका सिलेबस डिफाइन करता है। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज गाइड जो आती है, उसमें ये पीएमआई इंस्टीट्यूट की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो पीएमबीओके गाइड आती है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी इंडेवर होता है जिसमें कि हम लोग एक यूनिक, जिसमें कि हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एक यूनिक, यूनिक मतलब एकदम अलग, एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं या नई सर्विस देने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें कुछ नया रिजल्ट मिले। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो टेम्परेरी एंडेवर होते हैं, टेम्परेरी एंडेवर का मतलब जो टेम्परेरी जो हमारे वर्क एफर्ट्स होते हैं, एंडेवर का मतलब वर्क एफर्ट, इनको हम लोग जब किसी ऐसे पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हो ताकि हम लोग एक यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विस बना सकें जिससे कि कुछ नए रिजल्ट्स, कुछ नए अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो ये जो हमारा वर्क एफर्ट होता है ये कहलाता है प्रोजेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, अगर हम लोग केवल ऊपर ऊपर से देखते हैं, अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक व्यू पे देखते हैं, मतलब केवल ऊपर से देख रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अगर देखें तो एक पहला टाइप होता है टेम्परेरी प्रोजेक्ट, दूसरा टाइप होता है यूनिक प्रोजेक्ट। मैक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई दुनिया पे जो ह्यूमन काइंड है वो कितनी टाइप के होते हैं, तो भाई दो टाइप के लोग होते हैं, एक आदमी एक औरत, एक मेल एक फीमेल, कुछ चलो मान लो कहेंगे चलो सर एक बीच में भी होता ट्रांसजेंडर, तीन टाइप के लोग होते हैं। तो ये हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक व्यू। लेकिन जब मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करता हूं तो माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब क्या कि मैं एकदम अंदर जाकर के एकदम मैं डिटेल्ड वे में देखना चाहता हूं, तो उसमें आपके पास कई सारे टाइप के आप देखेंगे कि धरती पे ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे ही आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग टाइप के लोग दिख जाएंगे। कि मेल में भी आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह आप जाएं तो वहां पर बहुत ही लंबे लोग रहते हैं, या फिर आप कहीं जापान वगैरह जाएं तो उनकी हाइट काफी कम होती है, वही अफ्रीका में कलर कुछ और है, यूरोप में कलर कुछ और है, तो कई सारे टाइप के अलग अलग डिस्टिंक्शंस हो जाते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू की मैं बात कर रहा हूं। तो ऊपर ऊपर से जब देख रहे हैं हम लोग मोटे मोटे तौर पे, तो प्रोजेक्ट को हम लोग दो टाइप के प्रोजेक्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पहला है आपका टेम्परेरी प्रोजेक्ट, दूसरा है यूनिक प्रोजेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं ये। टेम्परेरी प्रोजेक्ट क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेरी प्रोजेक्ट, टेम्परेरी प्रोजेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स। टेम्परेरी प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि जब कभी रूटीन या रेपिटेटिव ऑपरेशंस जो होते हैं उनको हम लोग किसी डिफाइंड स्कोप और डिफाइंड रिसोर्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस जहां पर हमारे पास एक डेफिनेट बिगिनिंग हो और डेफिनेट एंडिंग हो, तो ये इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट कहलाता है टेम्परेरी प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट कहलाता है टेम्परेरी प्रोजेक्ट। जनरली जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके टेम्परेरी प्रोजेक्ट होते हैं, जहां पर रूटीन वर्क हो रहा होता है या रिपीटेटिव वर्क हो रहा होता है। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इसमें क्या होता है कि जनरली एक बार जब किसी आदमी ने एक कोई बड़ी बिल्डिंग बना ली तो उसके बाद फिर उसको कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो उसको तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है। एक बार अगर आपने कोई बड़ा मॉल अगर बना लिया तो फिर चाहे आपको हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे आपको स्कूल बनाना हो, चाहे आपको कोई और मतलब कि मैरिज हॉल बनाना हो या होटल बनाना हो,
तो जब आपने एक बड़ी बिल्डिंग बना रखी है तो उस टाइप की दूसरी बिल्डिंग्स भी आप बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। कभी आपने कोई नेशनल हाईवे एक बना रखा है तो दूसरा नेशनल हाईवे भी आप आसानी से देख सकते हो। कभी आपने लेट अस सपोज कोई जैसे कि मान लीजिए मेट्रो का प्रोजेक्ट है, तो जहां अब दिल्ली मेट्रो में जैसे श्रीधरन जी ने जो है इंडिया के जो रेलवे के जो सबसे टॉप लीडर माने जाते हैं, तो जो श्रीधरन जी हैं उन्होंने जब क्या कहते हैं रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट में पहले से काम कर रखा था, तो उन्होंने जो दिल्ली मेट्रो है वहां पर भी अपना गाइडेंस प्रोवाइड किया। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी मेट्रोज हैं, चाहे लखनऊ मेट्रो चाहे जयपुर मेट्रो, और भी हर जगह पे वो गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये जो श्रीधरन जी हैं और इन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने एक बार किसी एक मेट्रो प्रोजेक्ट में अगर काम कर लिया है तो वो बार बार बड़ी आसानी से उस प्रोजेक्ट में, वही प्रोजेक्ट फिर कहीं और शुरू हो रहा हो तो उसमें बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये एक रूटीन वर्क होता है जो कि पहले भी कई बार हो चुका है, और इसमें हमको एक ही काम होता है, सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है, एक ही सेट ऑफ एक्टिविटीज, उन्हें ही रिपीट करते रहना होता है। ये हम लोग करते हैं एक फिक्स टाइप के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, और हमारा एक फिक्स टारगेट होता है, एक फिक्स स्कोप होता है टेम्परेरी प्रोजेक्ट में। यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर हमारा कोई एक डेफिनेट बिगनिंग पॉइंट होगा और डेफिनेट एंडिंग पॉइंट होगा, तब ये प्रोजेक्ट कहलाएगा टेम्परेरी प्रोजेक्ट। ओके, अगला जो दूसरे टाइप का प्रोजेक्ट है उसको हम लोग कहते हैं यूनिक प्रोजेक्ट। इसमें इस यूनिकनेस का क्या मतलब है, यूनिक वर्ड का मतलब आप लोगों को हिंदी मीनिंग पता होगी, अलग, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट। तो यूनिकनेस ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, यूनिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि पहली पहली बार किया जा रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम किया जा रहा होता है, और इसमें नॉन रूटीन और नॉन रिपीटेटिव वर्क होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी यही कोरोना जो डिजीज इसमें फैली हुई है, कोरोना वायरस जो आ रखा है, तो इसका जो एंटीडोट बन रहा है, जहां कहीं भी लोग साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, और सुनने में आया शायद यूएसए में एक कुछ एक स्किन पे लगाने वाली एक चिप जैसी डेवलप कर ली गई है जो कि उसके एंटीडोट का काम करेगी, या फिर उससे बचने में हमें हेल्प करेगी, कोरोना से बचने में हेल्प करेगी। तो ऐसा जो कुछ भी हम लोग एक इंजेक्शन या कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसा एंटीडोट बना रहे हैं, तो वो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, कोरोना फर्स्ट टाइम आई है दुनिया में, तो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो ये एक यूनिक प्रोजेक्ट हुआ। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपका इसरो का, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो चंद्रयान बनाया था, तो चंद्रयान जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो आपका एक यूनिक प्रोजेक्ट था। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही अब देखें अगर आप, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिक प्रोजेक्ट के, तो इनसे आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि जनरली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, R&D के जो प्रोजेक्ट होते हैं, उन्हें हम लोग यूनिक प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बार टाटा कंपनी ने जब नैनो बना ली है, तो अब नैनो जैसा ही, नैनो ही चाहे वो आपकी व्हाइट कलर की नैनो हो, चाहे रेड कलर की नैनो हो, चाहे येलो कलर की नैनो हो, उसको बनाने के लिए आपको अलग से कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, अलग से कोई खास प्रोजेक्ट नहीं चलाना पड़ता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि टेम्परेरी प्रोजेक्ट और यूनिक प्रोजेक्ट में क्या अंतर होता है। टेम्परेरी प्रोजेक्ट में रूटीन एंड रिपीटेटिव ऑपरेशंस होते हैं, जबकि यूनिक प्रोजेक्ट में नॉन रूटीन और नॉन रिपीटेटिव ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जो कि पहली पहली बार फर्स्ट टाइम किया जाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हैरिसन नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने काफी वर्क किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो उन्होंने ये डिफिनेशन दी थी यूनिक प्रोजेक्ट की। डिफिनेशन क्या दी थी उन्होंने, डिफिनेशन दी थी कि ए प्रोजेक्ट दैट इज नॉन रूटीन एंड नॉन रिपीटेटिव वन ऑफ अंडरटेकिंग विथ डिस्क्रीट टाइम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस गोल्स इज टर्न्ड एज यूनिक प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि नॉन रूटीन एंड नॉन रिपीटेटिव वर्क हो रहा हो, और उस प्रोजेक्ट को एक फिक्स टाइम में और एक फिक्स पैसे के साथ और एक फिक्स टेक्निकल परफॉर्मेंस की, मतलब जो बन के हमारे सामने जो प्रोडक्ट जो बन के आए वो एक फिक्स एक मिनिमम इस लेवल की परफॉर्मेंस देता हो, ये चीजें जब हमने माइंड में डिसाइड कर रखे हैं, तब
टाइम और फाइनेंस और क्वालिटी या फिर टेक्निकल परफॉर्मेंस के जो गोल्स हैं इनको पूरा करने के लिए हम लोग जो कुछ भी वर्क करते हैं उस वर्क को हम लोग एक यूनिक प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट यहां पर हम लोगों ने जो देखा था ये हमने एक मैक्रोस्कोपिक व्यू पे हमने देखा था, यहां पर ऊपर ऊपर से देखा था प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब हम लोग एक और क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट या फिर टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट। टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। कहीं पर अगर पूछ ले जाए आपसे कि चलो भाई टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट लिख के बताओ, ओके फ्रेंड्स टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ। ये आपका एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन पूछा जा रहा है कि कितने टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब जब हम लोग ये माइक्रोस्कोपिक व्यू पे जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग प्रोजेक्ट को कई सारे हिस्से में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कई सारे हिस्से में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखता हूं, मैं बताता हूं आपको वन बाय वन। देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन आया, ये सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास, ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। कितने टाइम में आप प्रोजेक्ट को पूरा करने का सोच रहे हो, इसके बेसिस पर भी प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले एक आता है लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि 5 साल से ज्यादा के हों, ग्रेटर देन 5 ईयर टाइम कंज्यूम करने वाले हों, उन्हें हम लोग कहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद एक आते हैं आपके मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट जो 3 साल से 5 साल के बीच में टाइम लेने वाले हों, 3 years to 5 years। ओके, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। अगला एक हमारे पास आता है शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोजेक्ट जो कि 1 year से 3 year के बीच में हो, ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। और एट लास्ट हमारे पास एक और टाइप होता है, वो होता है स्पेशली शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, स्पेशली शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। ओके, ये आपका 1 साल से छोटे प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके एग्जांपल भी मैं बताते चलूंगा, आपको थोड़ा याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका डैम कोई बनने वाला है, टिहरी डैम आपने सुना होगा, तो टिहरी डैम बनाने के लिए 35-40 साल लग गए टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, जब से उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, प्लानिंग स्टार्ट हुई और जब से फाइनली वहां पर बिजली पैदा होनी शुरू हुई, तो जो डैम के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही मेगा, वो बल्कि वो तो मेगा ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में आते हैं। जो आपका एक और चीज होती है, जो 20 साल से ऊपर के जो प्रोजेक्ट हो वो मेगा ड्यूरेशन प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन पे मैक्सिमम बुक्स में यही चार्ट दिए हुए हैं, डैम हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए अभी इंडिया में पिछले 4-5 साल पहले एक प्रोजेक्ट आया था, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें काफी टाइम लगता है, काफी पैसा लगता है। ओके, या फिर जैसे मान लीजिए कोई कंट्री को, किसी कंट्री को ओलंपिक होस्ट करना। ओके फ्रेंड्स, ओलंपिक होस्ट करना हो किसी कंट्री को, और उसके लिए वो अपनी कंट्री में जो भी एक विलेज बनाते हैं, एक स्पोर्ट्स विलेज या फिर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो वो लोग डेवलप करते हैं, उसे आप लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला आपका मीडियम ड्यूरेशन का अगर देखें हम लोग,
तो कोई जैसे जो नॉर्मल ट्रेन जो है इंडियन रेलवे की जो नॉर्मल ट्रेन है, या फिर आपका कोई रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, तो ये जो इसकी एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन तो जनरली 3 से 5 साल ही होती है। अब जैसे कि राजस्थान में बाड़मेर में एक रिफाइनरी बन रही है, तो जब भी राजस्थान में पिछले 4 बार से ये हो रहा है कि एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, फिर एक पार्टी आती है, फिर दूसरी पार्टी आती है, तो जो लोग भी आते हैं तो जब तक कुछ काम होता है तो दूसरी पार्टी आके उस डिसीजन को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देती है, तो फिर से चीजें डिले हो जाती हैं। वैसे वो प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से पूरा हो जाता 3 से 5 साल में, लेकिन वो बहुत लंबा खिंच गया। तो ऐसे ही अगर इतना लंबा खिंच गया तो उसको तो हम लोग जो एक्स्ट्रा डिले हो रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं जो 3 से 5 साल में पूरे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। ऐसे ही शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो कोई हम लोग मॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, या कोई स्कूल बना रहे हैं, तो ये इस टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं ये आपके शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कहलाते हैं। और एट लास्ट अगर देखें तो जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई छोटा सा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर हम लोग लगाने वाले हैं, कोई अगर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पर लेट अस सपोज प्लास्टिक के कुछ मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो प्लास्टिक कंपोनेंट जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की चेयर्स बना रहे हैं, सुप्रीम नाम की कंपनी है जो कि प्लास्टिक मटेरियल्स में काफी इंडिया में टॉप की मानी जाती है, तो ऐसे कंपनियों के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर हम लोग कोई, तो सुप्रीम की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पे और भी कई सारी प्लास्टिक में डील करने वाली बहुत सारी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ऐसे जो छोटे प्रोजेक्ट जो 1 साल से कम टाइम ड्यूरेशन लेते हैं उन्हें हम लोग स्पेशली शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, अगला एक और क्लासिफिकेशन का एक और तरीका है हमारे पास। यहां पर भी हम लोग जो प्रोजेक्ट में कितना पैसा फंसा हुआ है इसके हिसाब से भी प्रोजेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक आपका सबसे पहला तो एक आता है मेगा वैल्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है मेगा वैल्यू प्रोजेक्ट, ये आपका जब कभी 1000 करोड़ से 1000 करोड़ रुपीज से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रखा हो तो ये कहलाता है मेगा वैल्यू प्रोजेक्ट। अगला ऐसे ही एक लार्ज वैल्यू प्रोजेक्ट है जहां पर 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रखा हो। एक और टाइप है हमारे पास जिसे हम लोग मीडियम वैल्यू प्रोजेक्ट कहते हैं, यहां पर 1 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होता है। और एट लास्ट एक आपका स्मॉल वैल्यू प्रोजेक्ट है। ओके, यहां पर लेस देन 1 करोड़, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जनरली ये जो चारों एग्जांपल्स जो पीछे दिए थे यही चारों एग्जांपल्स यहां पर भी, ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है ये आपका मेगा वैल्यू प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये जो आपका मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है ये यहां पर लार्ज वैल्यू हो जाएगा, ये चीजें ये चारों यहां पर इस तरीके से सेट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे अगर बढ़े हम लोग तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, ओनरशिप का मतलब ये हुआ कि किसके पास सही मायने में इस प्रोजेक्ट को, कौन ओनर कौन है इसका, कौन मेन स्टेक होल्डर, हु इज द मेन स्टेक होल्डर उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आप अगर चाहें तो इसको भी 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आपका एक पहला टाइप का जो प्रोजेक्ट है वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग आ गई और स्टेट गवर्नमेंट अलग आ गई, तो इन दोनों को ही ऐड करना होगा आपको। स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही ऐड करके हम लोग चल रहे हैं
तब ये कहलाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट। ओके, अगला एक आता है आपके पास एक एग्जांपल, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट जो पीएसयूज होती हैं उनके जो कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं, ऐसा ही एक एग्जांपल है आपके पास एग्जाम्पल नहीं, एक और टाइप है, ये है प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट। और एट लास्ट एक हमारे पास एक मोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीपीपी मोड। ओके, पीपीपी मोड का मतलब ये कहलाता है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो पीपीपी सेक्टर प्रोजेक्ट कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब होता क्या है कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्या क्या है ये। गवर्नमेंट सेक्टर और पीएसयू वाले सेक्टर में लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि रेलवे के जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में। अब पीएसयूज की अगर बात करें तो पीएसयूज का मतलब वही सबको पता है कि चाहे वो आपका आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, भेल, कई सारी पीएसयूज इनके प्रोजेक्ट। प्राइवेट सेक्टर भी पता चल रहा होगा आपको कि भाई मारुति हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, अंबानी जी हो गए, या फिर अडानी हो गए, या कोई भी आप बड़े बिजनेसमैन का नाम लीजिए, तो इनकी जो कंपनियां हैं वो जो प्रोजेक्ट हैंडल करती हैं वो कहलाती हैं प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट। एट लास्ट आपका पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, यहां पर कई लोगों को दिक्कत होती है कि ये क्या नया चीज आ गया। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि पीपीपी मोड भी एक एग्जिस्ट करता है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कुछ प्राइवेट लोग मिल करके अपना एक कॉरपोरेशन बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और वो लोग मिल करके एक ट्रस्ट, कुछ लोग मिल करके, कुछ इंडिविजुअल लोग मिल करके जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते, वो लोग मिल करके एक ट्रस्ट बनाते हैं, और उस ट्रस्ट के साथ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके कुछ एक प्रोजेक्ट करती है, तो ये जो काम होता है इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या है कि जैसे कि एक आपके पास अगर आप देखें तो पीपीपी मोड में अगर आप देखना चाहें तो एक जैसे राजस्थान में जयपुर में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, LNM IIT। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट आपका राजस्थान गवर्नमेंट और लक्ष्मी नारायण मित्तल, जो कि मित्तल स्टील के ओनर हैं, इन दोनों के बीच में उन्होंने, लक्ष्मी नारायण मित्तल साहब ने एक ट्रस्ट बनाया, मित्तल ट्रस्ट, एलन मित्तल ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन से ये एक रिजल्ट निकल के सामने आया कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाया जाए, तो वो LNM IIT के रूप में सामने आया। ठीक है फ्रेंड्स, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेसर नोन है, कम ही लोग जानते हैं, मेनली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए या रोबोटिक्स के लिए काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, अदरवाइज इसीलिए अभी थोड़ा कम ही लोग जानते हैं उसको, लेकिन पे बाकी अगर आपको जैसा अगर लगे ठीक लगे तो अपना आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से। ये LNM IIT के बारे में, बाकी यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो तो मैं आपको पूरी पढ़ा ही रहा हूँ। आगे अगर हम लोग देखें तो स्पीड या पेस ऑफ वर्क के बेसिस पर भी प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसमें आपके पास दो ग्रुप आते हैं, एक तो होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है नॉर्मल प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जो कि नॉर्मल स्पीड से पूरा हो रहा हो उसे कहा जाता है नॉर्मल प्रोजेक्ट, और एक दूसरा प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे, अभी जैसे मान लीजिए कि कुछ हार्ट फेल होने की जो स्टेंट जो डेवलप किए जाते हैं हार्ट में लगते हैं बाईपास सर्जरी के टाइम पे, या फिर कुछ बीपी की जो कुछ दवाइयां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की, ये सब जो दवाइयां जो डेवलप की जाती हैं
ये नॉर्मल प्रोजेक्ट के बेसिस पे डेवलप की जाते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि पूरी महामारी एकदम फैल गई हो कि रोज हजारों लोग लाखों लोग मर रहे हो, तो वो जो प्रोजेक्ट किया जाता है वो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है। लेकिन अभी एकदम प्रेजेंट टाइम में ये जो लॉकडाउन हो रखा है, सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से हो रखा है, और कोरोना वायरस की जो भी वैक्सीन डेवलप की जा रही है या जो भी उसके लिए जो भी टीका डेवलप किया जा रहा है या वैक्सीन डेवलप की जा रही है या जो भी मेडिसिन या जो भी उसके उसके ट्रीटमेंट का जो भी तरीका है, उसको जो डेवलप कर रहे हैं साइंटिस्ट, वो एक फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं कि कोई अपने घर नहीं जा रहा है, लोग महीनों से हफ्तों से महीनों से लोग लैब में हैं, वहीं पर खाते पीते हैं, वहीं सो जाते हैं और जैसे उठते हैं फिर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहलाता है फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट। नॉर्मल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि 9 to 5 की एक जॉब होती है जिसमें आदमी आता है ऑफिस और 8 से 10 घंटे काम करके फिर अपने घर चला जाता है, सैटरडे संडे की छुट्टी भी करता है, होली दिवाली की छुट्टी भी करता है, तो वो कहलाता है नॉर्मल प्रोजेक्ट। लेकिन फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने कई सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनी होंगी, जो कभी कभी कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि बाकी जो नॉर्मल कोर्ट है उसके कंपेरिजन में ये एक अच्छा आपको जल्दी एक कुछ रिजल्ट दे सके। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग इस लेक्चर को काफी इंजॉय कर रहे होंगे और काफी अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि ये जो सीरीज चल रही है ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए चल रही है, लेकिन इंट्रोडक्शन भी अच्छा खासा समय दिया जाएगा, यहाँ पर आपको कोई कम समय नहीं मिलेगा, अच्छा खासा समय मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरे डिटेल्ड वे में पढ़ना हो इस सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। ये एक और चीज रह गई, इसको भी देख लेते हैं। ये सॉरी अभी देखिए, ये एक और टाइप रह गया कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्क, ये हम लोग क्लासिफिकेशन जो कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन दो टाइप से और कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ वर्क, किस टाइप का आप वर्क कर रहे हो, तो ये चाहे तो आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का मतलब क्या, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका जो प्रोजेक्ट है। ओके, उसके बाद फिर नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की भी बात की जाए तो नॉन इंडस्ट्रियल में हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स आते हैं। यहां पर नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का मतलब लोग क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हो, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जनरली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये अब टाटा मोटर्स हो गई, अशोक लेलैंड हो गई, मारुति महिंद्रा ये, या फिर डेल और या फिर सेल या भेल, ये सब कुछ बनाती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं, इनको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अगला अगर आप देखें नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में क्या आता है, नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में हमारे पास जैसे कि इरिगेशन के प्रोजेक्ट आ गए। ओके, या फिर हमारे पास एक हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट हो सकता है। ओके, या फिर हमारे पास एजुकेशन का प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर किसी इवेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर एडवर्टीजमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, या फिर बैंक का प्रोजेक्ट हो सकता है, नोटबंदी हुई थी तो वो बैंक का प्रोजेक्ट था, ऐसे ही कुछ मिलिट्री के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक तरीके से आप देखें तो यहां पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कहलाते हैं नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ओके, और ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का मतलब क्या, जनरली कोई फैक्ट्री होगी जहां पर धुआं निकल रहा होगा, जहां पर कुछ पॉल्यूटेंट, कुछ ऐसे वेस्ट निकल रहे होंगे जो कि एटमॉस्फेयर को में पॉल्यूशन फैलाते हैं, ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कहलाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट जिनसे एटमॉस्फेयर में कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है उनको हम लोग कहते हैं
नॉन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ये जो हमारा जो सीरीज है, ये सीरीज इस टारगेट से चलाई जा रही है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाए, एक अच्छा खासा ओवरव्यू दिया जाए। और अगर आप इससे भी शानदार मटेरियल, इससे भी और अच्छा मटेरियल अगर आप पाना चाहते हैं, तो आप लोगों में से कई लोगों को यह पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं अपडेट कर दूं कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग अनअकैडमी प्लस कोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये अनअकैडमी प्लस कोर्स पे आप मेरा कोड सर्वेश 10 या फिर सर्वेश 11 का यूज करके अनअकैडमी प्लस पर आप कोई भी सब्जेक्ट खरीद सकते हो। आपको किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं हम लोग कि आपको खरीदना ही है। आपको अगर अच्छा लगे और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इससे भी अच्छा मटेरियल चाहिए, अगर फ्री में YouTube पे जो मटेरियल मिल रहा है वो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आता हो, तो आप सोचिए कि पेमेंट करने के बाद जो मटेरियल मिलेगा वो अगर आपको लगे कि आपके काम लायक आ सकता है तो ही आप अनअकैडमी प्लस कोर्स पे आए। अदरवाइज किसी को मेरी तरफ से या अनअकैडमी की तरफ से फोर्स नहीं किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप अगर आना चाहें अनअकैडमी प्लस कोर्स पे तो मेरा रेफरल कोड सर्वेश 10 का यूज करें और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी कोर्स जितने का भी है उस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम लोग ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो कि अक्सर इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है कि एक प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन। तो ये हम लोग देखेंगे, इसके डिफरेंसेस देखेंगे, और फिर हम लोग कल हम लोग ये जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, उनको भी हम लोग कल के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे मान लीजिए स्पॉन्सर या स्टेक होल्डर या प्रोजेक्ट चार्टर या प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या रिसोर्स या रिस्क या क्वालिटी या स्कोप या फिर बजट या प्रोक्यूरमेंट, ऐसे कई सारे टर्म्स आते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग आपको पता रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला पोर्शन प्रोजेक्ट और ऑपरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, और इन ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कल हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें और भी आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैक बाई सर्वेश 10 ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको हर एक वीडियो, जो भी आने वाली वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, पहले से ही मिल जाया करेगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग और आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।